بسم اللہ الرحمن الرحیم a+b=1 اور اس کو نام دیتے ایکویشن نمبر 1 کا a^4 + b^4 = 17 اور اس کو نام دیتے ایکویشن نمبر 2 کا. اس کے بعد اس ایکویشنوں کو سولو کر کے اے اور بی کو فائنڈ کریں گے. کنڈیشن کیا دیا ہے کہ اے بھی ہمارے پاس ریئل نمبر ہے. سب سے پہلے یہ ایکویشن نمبر 2 کو لے لیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے a^4 + b^4 = 17. پھر کیا کریں گے؟ یہ a^4 نہیں, یہ والے ان کو لکھ دیں گے a^2 + b^4 کو بھی اس طرح لکھ دیں گے b^2 ان کے ساتھ +2a^2 - 2a^2 لکھ دیں گے = 17. پھر کیا کریں گے؟ یہاں ان سے فارمولا کے مطابق ایک فارمولا a+b² وہ برابر ہوتا ہے a^2 + b^2 + 2ab. تو ان کو بھی اس طرح کریں گے تو فارمولا کے مطابق یہ آ جائے گا a^2 + b^2 - 2a^2 = 17. پھر کیا کریں گے؟ یہاں ان کے ساتھ بریکٹ میں a^2 + b^2 ان کے ساتھ +2ab اور -2ab لکھ دیں گے = -2a^2 = 17. پھر کیا کریں گے؟ یہاں ان سے فارمولا کے مطابق یہ آ جائے گا, یہاں اسکوائر رہ گیا ہے, فارمولا کے مطابق یہ آ جائے گا a+b² - 2ab² - 2a^2 = 17. پھر کیا کریں گے؟ a+b یہ گیون میں ہمیں دیا ہے ایکویشن نمبر 1 میں کس کے برابر ہے دیکھ, تو یہ 1 کے برابر ہے تو یہاں جائے گا 1, ان کی جگہ جائے گا 1² تو 1² کس کے برابر ہوتا ہے 1 کی, تو یہاں 1 -2ab² - 2a^2 = 17. پھر کیا کریں گے؟ ان کو فارمولا کے مطابق کھولیں گے, یہاں جائے گا 1² سے 1 پلس یہاں 4a^2 - 4ab - 2a^2 = 17. پھر کیا کریں گے؟ ان سے آ جائے گا 2a^2 - 4ab + 1 - 17 = 0. پھر کیا کریں گے؟ یہاں 2a^2 - 4ab ان سے -16 = 0. پھر کیا کریں گے؟ ان سے 2 کو کامن لے لیں گے تو یہاں a^2 - 2ab - 8 = 0. دونوں سائڈ کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے, اس کو بھی 2, تو یہاں یہ 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ان سے 0 آ جائے گا. ان کو لکھ دیں گے a^2 - 2ab - 8 = 0. پھر کیا کریں گے؟ لیٹ لے لیں گے کس کو؟ اے بی کو ٹی کے برابر, تو یہاں جائے گا ان سے t² - 2t - 8 = 0. پھر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوارڈیٹک ایکویشن ہے, تو یہاں
ये माइनस टू टी को रख देंगे, माइनस फोर टी प्लस टू टी, इन दोनों से दोबारा माइनस टू टी आता है, माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से टी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा टी माइनस फोर एक ब्रैकेट में, इनसे टू को कॉमन ले लेंगे, टी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस फोर, टी माइनस फोर ये दोनों में सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस टू को लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गया, दूसरा ये, तो यहाँ लिख देंगे टी माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, जबकि दूसरा टी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस फोर को इस साइड पर लाएंगे, टी इज इक्वल टू फोर, इधर प्लस टू को इस साइड पर लाएंगे, टी इज इक्वल टू माइनस टू। फिर क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिकॉल में क्या करेंगे, टी को हमने किसके बराबर लिया था, तो यहाँ टी की जगह जाएगा, इस टी की जगह ए बी इज इक्वल टू फोर, और इस टी की जगह भी आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस टू। इनके साथ इक्वेशन नंबर वन को यहाँ लिख देंगे, वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, गिवन इक्वेशन जो हमें दिया है, इधर भी ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ए को साइड पर लाएंगे, बी इज इक्वल टू वन माइनस ए, इनको फुट करेंगे इधर बी की जगह, तो यहाँ ए ब्रैकेट में वन माइनस ए इज इक्वल टू फोर, ए को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा ए माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर। फिर इनको और इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ ए किसके बराबर है, वन के बी माइनस वन के सी फोर के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट करेंगे, वो क्या है, वो है ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिनोमिनेटर में टू ए। तो यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये प्लस वन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ वन और इनसे माइनस सिक्सटीन डिनोमिनेटर में टू ए की जगह टू लिख देंगे, तो यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू वन प्लस माइनस इनसे माइनस फिफ्टीन डिनोमिनेटर में टू। फिर इनको इस तरह लिख देंगे, ए इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट फिफ्टीन आयोटा डिनोमिनेटर में टू। तो ये हमारे पास कंडीशन भी है कि हमारे पास रियल नंबर है, तो ये तो रियल नंबर नहीं आ गया आंसर, तो इनको हम रिजेक्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी ये एन इनको इस साइड पर लाएंगे, तो बी इज इक्वल टू वन माइनस ए, फिर इनको इधर पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा ए ब्रैकेट में बी की जगह वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा ए इनसे माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू। फिर इनको और इनको साइड पर लाएंगे, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वेयर ये माइनस ए नहीं, इनको लिख देंगे माइनस टू ए प्लस ए, इनसे माइनस ए आएगा, माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इन दोनों से ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए माइनस टू एक ब्रैकेट में, इनसे प्लस वन को कॉमन ले लेंगे, ए माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ए माइनस टू, ए माइनस टू ये दोनों में सेम, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस वन को लिख देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। या हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया ए माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जबकि दूसरा ए प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस टू नहीं, इनको इस साइड पर लाएंगे, तो ए इज इक्वल टू टू, इधर ये प्लस वन को इस साइड पर लाएंगे, ए इज इक्वल टू माइनस वन। फिर क्या करेंगे, बी को फाइंड करेंगे, तो यहाँ बी को हमने किसके बराबर लिया था, बी इज इक्वल टू वन माइनस ए
इधर बीन को लिख देंगे बी इज इक्वल टू वन माइनस ए। तो यहाँ ए की जगह किस को पुट करेंगे, ए की पहली वैल्यू यानी माइनस टू को पुट करेंगे, और यहाँ ए की जगह ए की दूसरी वैल्यू यानी माइनस वन को पुट करेंगे। तो यहाँ इनसे आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस वन टू, बी की वैल्यू दूसरी आ गई टू। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अगर ए टू के बराबर है तो बी माइनस वन के बराबर होगा, इसी तरह अगर ए माइनस वन के बराबर है टू बी के बराबर होगा।